तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आपके फ्रिज में आगे की साइड से पानी आता है, ठीक है, तो उसको घर पर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये फ्रिज है हमारा जो कि आगे के साइड को पानी आता है, और बात करी जाए तो इसकी जो होती है दोस्तों पानी आता क्यों है, एक ऊपर की साइड जब आप कॉइल खोलोगे तो एक यहाँ से कॉइल के नीचे छेद होता है, जो कि इसका कॉन्टैक्ट सिर्फ जो कंप्रेसर होता है हमारा, यानी कि फ्रिज के पीछे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। फ्रिज के पीछे आप बड़े ही बारीकी से देखोगे तो एक पाइप निकला हुआ होता है, जो कि गूंद गूंद वहाँ पर पानी टपकता है, ठीक है। अगर आपका आगे की साइड को पानी आता है तो मान लीजिए कि जो पीछे की साइड हमारा गूंद गूंद ये इस प्रकार से जो पानी टपक रहा है, वो आपका पानी पीछे की साइड ना जाकर वो आगे की साइड आ रहा है, ठीक है। तो उसकी हमें क्या करना है, सप्लाई को जो हमारा पाइप है उसमें कभी कभी बर्फ जम जाती है या फिर कचरा आ जाता है, उस पाइप में कचरा आने की वजह से हमारा जो पानी है वो कंप्रेसर के पीछे जो डाली लगी हुई होती है, यानी कि जो प्लास्टिक का बॉल लगा हुआ होता है, वो नहीं हो पाता है, ठीक है, उसमें पानी नहीं जा पाता है, जो सारा पानी आगे की साइड को आता है। तो दोस्तों आप किसी तार की मदद से या फिर किसी केबल की मदद से, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उसकी मदद से आपको पीछे की साइड से अंदर की साइड को ढकेलना है, यानी कि बढ़ाना है और पानी को निकालना है, यानी कि निकास को पानी के साफ करना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं। करने के बाद यहाँ से तो आप लोगों को इस प्रकार से झटके मार मार कर इस तार को, केबल को, कुछ भी चीज़ हो आप लोगों पर, उसको ऊपर की साइड को ढकेलना है, और ऊपर से क्या करना है आपको, खोला कर एक गर्म पानी करना है, ठीक है। आपको खूब झटके मार मार कर करना है, झटके मार मार कर ऊपर की साइड को, मतलब इसको बढ़ाना है, जिससे कि नाली खुलने के ज़्यादा चांसेस रहें, ठीक है। अगर इस प्रकार से भी नहीं खुलती है, अब आप दूसरा जो चांस है तो दोस्तों वो है, अब आप लोगों को लेना है एक मग्गा, ठीक है। मग्गे में आप लोगों को इस प्रकार से गर्म पानी यानी उबला हुआ पानी होना चाहिए, और कॉइल के ऊपर से यानी जो डबल डोर का ऊपर होता है, कॉइल को बाहर निकाल कर यहाँ पर आप जैसे ही गर्म पानी डालोगे तो दोस्तों हमारा जो बर्फ़ है, उस नाली वाला जो बर्फ़ है, वो हल्के हल्के पिघलने लगेगा। पिघल कर क्या होगा, पीछे की साइड का जो हमारा नाली है वो खुल जाएगी, और अच्छी तरीके से इस प्रकार से पानी आ जाएगा, ठीक है। अब जो प्रक्रिया है हमारी वो होगी, जो आगे पीछे का पानी आपका होता है, ठीक है, जो यानी कि जो आगे को पानी आता है वो आगे को ना आकर पीछे की साइड की हमारी जब नाली खुल जाएगी, तो वहाँ पर हमारा सारा का सारा पानी वो पीछे की साइड को आएगा, आगे को नहीं आएगा। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हमारा पानी जो आगे को आता है, पीछे की जो हमारी नाली ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा सारा का सारा पानी पीछे आगे की साइड को आता है, ठीक है। वो नाली अगर आप एक बार खोल देंगे तो आपका जो पानी की प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अभी तक समझ में आया है अच्छी तरीके से, तो आप शेयर कर सकते हैं, और लाइक चैनल को तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।